बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग हो रहा है और ये परंपरा पता नहीं कितनी सदियों से इस पत्थर का उपयोग यहाँ पे हुई। ये जो मंदिर में दिया गया पत्थर है उसमें बड़े बड़े छेद हो रहे हैं और बहुत बड़ा अन्याय है। ये इतनी बड़ी गर्भगृह में इतना बड़ा परंपरा के साथ छेड़कर अभी मैं ये गर्भगृह से लाया हूँ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह का काम होना चाहिए केदारनाथ के अंदर। देखिए आप ये देखो ये केदारनाथ श्री मंदिर जी का गर्भगृह है और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है कि मंदिर की दीवारों पे लोग यहाँ पे सोना लगा रहे थे हैं और इन्होंने दीवार पे फाइबर लगा दिया था तो भगवान ने खुद उसको रोक दिया और अखंड ज्योति से जो है कि इस फाइबर पे आग लग गई है गर्भगृह के अंदर मंदिर के श्री केदारनाथ जी के। ठीक है आप देख सकते हैं जबकि हमारी पौराणिक परंपराओं के अनुसार जो कि ये मोक्ष धाम है और मोक्ष धाम में सोना नहीं लगता है यहाँ पे सोना का त्याग होता है। ठीक है जबकि राजा परीक्षित ने जो कि जब कलयुग को बंदी बनाया था तो कलयुग ने जो है कि एक स्थान मांगा था वो उसमें से सोना चांदी है और ये मोक्ष धाम है और मोक्ष धाम के गर्भगृह में आप सोना लगाने का मतलब है कि आप कलयुग को अंदर बैठा रहे हैं भगवान के गर्भगृह में। और भगवान ने आप देख सकते हैं कि अखंड ज्योति ने जो कि भगवान ने जो कि फिर से जो कि इस फाइबर को पूरा जो कि आग से जला दिया है और ये भविष्य के लिए भी खतरा भी है। इससे गर्भगृह में जो कि ऑक्सीजन की कमी भी होती है और ये हमारे परंपराओं के साथ छेड़खानी की जा रही है और समस्त हिंदुओं से निवेदन है कि आप भी इसका विरोध करें पुरजोर विरोध करें क्योंकि मंदिर समिति का ये मंदिर नहीं है। ये मंदिर जो है कि तमाम हिंदुओं का है करोड़ों हिंदुओं का है और लाखों हिंदुओं का है। धन्यवाद। जय श्री केदार। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदारनाथ। आज पेपर समाचारों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि केदारनाथ के जो गर्भगृह में चांदी लगी हुई है उसको निकाल करके वहाँ सोना लगा रहे हैं और ये परंपरा के बहुत ज्यादा विरोध है। सोना चांदी यहाँ पे नहीं लगाने देंगे और वहाँ गर्भगृह में जो वो चार स्तंभ हैं उनको आपकी नजरों में वो पिलर होंगे, आपकी नजरों में वो भीम होंगे, लेकिन उन स्तंभों में भगवान विराजमान है, उनके अपने अस्तित्व है, अपने नाक कान है और उनको ढकाया जा रहा है। ये परंपरा के बहुत ज्यादा विरोध है। यहाँ केदारनाथ में गर्भगृह में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करने देंगे और सोना किसी भी हाल में केदारनाथ में हम नहीं लगाने देंगे और ज्यादा जिद करेंगे तो हम बिल्कुल भूख हड़ताल में बैठेंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदारनाथ।